I've fallen in love with I Love. I love you. Bole, wow. भगवान ने ये सारी कायनात बनाई और इन तमाम चीजों में से सबसे ज्यादा कीमती चीज बनाई इंसान, मगर धरती पर आकर इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। उसी ने जमाने में ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी और कदम कदम पर खुदगर्जी, मक्कारी, धोखेबाजी की आंधियां चलने लगी। पर इसी दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो इन तमाम इल्जामों से दूर इस दुनिया में प्यार की दुनिया बसाकर जीता है, जिसका नाम है बिरजू, बिरजू मदारी। शादी का वादा तो तुमने मुझसे किया था। तुम चुपचाप यहां से बाहर चली जाओ, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरी शादी की बातचीत पक्की होने जा रही है। मैं तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं करना चाहता। ये लो, ढेर सारे रुपए और अपना ये पाप लेकर किसी दूसरे शहर चली जाओ। और अगर तुम नहीं जा सकती तो मुझे वो जगह बतला दो जहां से तुम्हें आत्महत्या करने में आसानी हो सके। अंतिम संस्कार मैं करवा दूंगा। फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी तेरी दुनिया में, मगर अपनी औलाद को छोड़ कर जाऊंगी तेरे इस घोर पाप का बदला लेगी मेरी औलाद। नारी के रूप में अभिमन्यु बनकर जिएगी और तब तक जिएगी जब तक कि तुझ जैसे कलयुग के रावण का सर्वनाश नहीं होता। कल तो इंसानों के सीने में दिल लगाकर भेजता ही नहीं, क्या क्या समझा तू? इसे मैं उठाकर अपने गले का हार बना लूं? कभी नहीं। पहले ही मैं सड़क का एक हार अपने गले में लटकाए घूम रहा हूं। इसे मैं अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा। मैंने सारे जमाने की औलादों को पालने का ठेका नहीं लिया है। बहादुर बजरंगी, यह हमारा इम्तिहान ले रहा है। इसकी बातों में मत आ, मत आ इसकी बातों में। अरे बार बार मत ले इम्तिहान इस गरीब का, मत ले। इसे मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। यह तेरे बनाए हुए इंसानों का पाप है, इसे तू जानो, तेरे इंसान जाने। अच्छा बजेंगी,
हाँ, ये उसी मदारी बिरजू का घर है जिसने बरसों की मेहनत के बाद ये छत अपने परिवार के लिए बनाई है। ये घर नहीं धरती का स्वर्ग है। इसमें रहने वाले इंसान नहीं फरिश्ते हैं। इनके बीच जमाने की कोई दीवार नहीं है। इस धरती पर इन जैसा कोई परिवार नहीं है। तूने क्या कह लिया है? परवल 2 रुपए और ककड़ी 2 रुपए, 4 रुपए हुए। और क्या क्या है? अच्छा टमाटर 2 रुपए, टमाटर 6 2 रुपए, बैंगन हाँ, और अच्छा नारियल 2 रुपए, 10 रुपए हुए। और तो कुछ नहीं लिया ना? अच्छा पूरे 10 रुपए ला। ये ले मेरी तरफ से टमाटर खा। सपना देख रहा था, खराब कर दिया ना। सपने में राजा बना या फिर
चोर बना या सिपाही, मगर तकदीर ने तो आपको बदार ही बनाया है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। वो अपनी उंगली पे दुनिया को नचाता है और मैं डुगडुगी बजाकर तुम लोगों को नचाकर दो वक्त की रोटी कमाता हूँ। अरे भाई चाय वाय का बंदोबस्त किया है कि नहीं? अरे बेटा डैडी को चाय पिलाओ। ला जल्दी ला। ए, तेरे को ये नई नई ड्रेस कहाँ से मिलती है? अरे जिसकी रस्सी पर कोई कपड़ा सूखता है उसको पसंद आता है, ये उड़ा ले आता है। अब बातों की दुकान बंद करो डैडी और जल्दी से चलकर तमाशे की दुकान खोलो। अरे हाँ आज तो इतवार का दिन है। ऊपर वाले ने ये नोट भी क्या चीज बनाई है, नोट की हरियाली देखकर चेहरे पे लाली आ जाती है। ये ले 5 रुपए, भेलपुरी खा लेना, बजरंगी को चने खिला देना और बहादुर के लिए बिस्किट। ए भाई काय को भागता है, कड़की के जमाने में बिस्किट खिला रहा हूँ। जा जल्दी से चूल्हा वूल्हा तैयार कर, मैं पेट पूजा का सामान लेकर बनवारी का पान खाकर यूं आया। ये ले चलो जल्दी से कलकत्ता की वाम कच्ची सुपारी कत्था कम चूना ज्यादा 2 लौंग 2 इलायची और ठंडक मार के। आज धंधा बहुत गर्म हुआ लगता है। बनवारी चाचा यहाँ इतनी भीड़ काय की है? अरे बिरजू वहाँ आज शाम अनीता देवी का क्लासिकल डांस का प्रोग्राम है, लोग टिकट खरीद रहे हैं टिकट। मगर बिरजू बड़ी जबरदस्त क्लासिकल डांसर है। ये डांस का साइकिल पर होता है? नहीं तो क्या हवाई जहाज पर होता है, 40 रुपए टिकट है। 40 रुपए? अरे मैं निकालता हूँ तेरी टिकट। अरे नहीं नहीं मैं किसी का एहसान लेकर नहीं जीता। अबे हर पान के साथ एक चवन्नी दे देना, 8-10 महीने में तेरा कर्जा उतर जाएगा। चाचा इस बात में दम है, तू टिकट निकाल कर रख, मैं बच्चों को खाना खिला कर यूं आया। अच्छा अभी तेरा पान, अभी पान चमाने का वक्त नहीं है, साइकिल डांस देखना है। ये लो खाओ। आप खाना जरा प्यार से बनाया करो, हमें ऐसा खाना नहीं चाहिए। देखो बेटे जिंदगी में रोटी को कभी मत ठुकराना, मेरा बाप भी यही कहा करता था। जिस तरह से आज मैं तुम लोगों को पाल रहा हूं ना, उसी तरह उन्होंने भी मुझे पाला था। इसी तरह अगर मैं रोटी को ठुकरा देता तो शायद आज तुम लोगों को सहारा देने के काबिल ना होता। पर हम तो कुछ और ही कहना चाहते थे। क्या बोल लो बजरंगी। अबे वो उधर जाकर क्या कर रहा है? डैडी वो कह रहा है कि खाना पकाने के लिए दुल्हन लेकर आओ। क्या? हेलो यहाँ पांचों का गुजारा मुश्किल है और छठी लगकर क्या मैं डांस डांस? ए तुम ना खाना खा लेना। लेडीज एंड जेंटलमैन आज की शाम आप लोगों के सामने नृत्य कला की महान देवी वो कला पेश करने जा रही हैं जो आपके दिलों में तूफान मचा देगी। दिल थाम कर बैठिए, वो अभी आपके सामने जलवा गर होने वाली हैं। भाई साहब ये खेल कब चालू होगा? अनीता देवी अपने चाहने वालों की खास ड्रीम गर्ल है, यानी के आपके ख्वाबों की हसीन रानी। तो आपके इंतजार को खत्म करने और खुद को आपके सामने पेश करने आ रही हैं। भाई साहब देखिए भाई साहब अनीता देवी। जी हाँ दिल थाम कर बैठिए, अनीता देवी।